नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। पहले एपिसोड में ही हमने बात की थी कि शेयर बाजार को एक जुआ नहीं समझना चाहिए, किस्मत के भरोसे यहां नहीं रहा जाता। इनफैक्ट सुनील ने हमें यह भी समझाया कि महाभारत जहां सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ था जुए का, वो भी किस्मत के भरोसे नहीं चल रहा था, यानी शकुनी किस्मत के भरोसे नहीं चल रहा था। ये किस्मत कितना रोल अदा करती है शेयर बाजार में, जान लेते हैं इस एपिसोड में। यही कोशिश करेंगे जाने की। सुनील मिगलानी मेरे साथ बने हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत क्लियर शब्दों में हमने ये बताया कि किस्मत के भरोसे नहीं रहा जा सकता। क्या किस्मत के भरोसे ही नहीं रहा जा सकता, या सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रहा जा सकता, यानी रोल कितना है लक का, किस्मत का कितना रोल है शेयर बाजार में? देखिए, बहुत ही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका आंसर भी उतना ही स्पिरिचुअल होगा। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो लक है, जो किस्मत, आपने पूछा क्या होता है किस्मत जी, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका रोल हमारी लाइफ में कितना है और स्टॉक मार्केट में कितना है। लक होता क्या है? लक होता क्या है? राइट। देखिए, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने सीखा है, लक नाम की कोई चीज होती नहीं है। किस्मत हमने नाम दे दिया उसको। आप समझिए, हम नेचर के पार्ट हैं, हम पूरी नेचर का हिस्सा हैं। हमारी नेचर में किस्मत नहीं होती, हमारी नेचर में डेस्टिनी होती है। भाग्य और किस्मत दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्चुअली लोग इनको जोड़ के देखते हैं। लोग बोलते हैं भाग्य खराब है या किस्मत खराब है, एक ही बात बोलते हैं। भाग्य अलग चीज है, किस्मत अलग चीज है। इसको क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। एक बीज के भाग्य में लिखा है उसे पेड़ बनना है, एक आम के बीज के भाग्य में लिखा है उसे आम का पेड़ बनना है, एक नींबू के उसमें लिखा है उसे नींबू का पेड़ बनना है, आपके भाग्य में लिखा है आप इंसान बनना है। किस्मत अलग चीज है। एक्चुअली किस्मत का जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको बहुत पहले से बोला है कि हमारे स्टॉक मार्केट के बहुत सारे रूल्स हमारी नेचर के रूल हैं। एक्चुअली जो किस्मत है वो नेचर में, अगर आप जाएंगे वहां पर कोई किस्मत का रोल नहीं है। हम गीता का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि कर्म करे जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उसमें ये नहीं कहा जैसी किस्मत होगी वैसा फल देगा भगवान। राइट, कर्म को सबसे ऊपर रखा गया। गीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर आधारित है। वहां पे ये कहा है कि आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, सबसे ऊपर आपका काम है, हर चीज से ऊपर आपका काम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां किस्मत का रोल नहीं है। एक्चुअली किस्मत होती क्या है, हमने जिसको नाम दे दिया, एक्चुअली किस्मत होती क्या है? किस्मत साइकल्स हैं। Right. हमारी नेचर में जैसे साइकल्स हैं, वैसे हमारी लाइफ में साइकल्स हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में हमने बात किया वहां भी साइकल्स, जैसे दिन और रात आता है, सुख और दुख आता है, सर्दी और गर्मी आती है। ऐसे ही जो किस्मत है एक्चुअली वो साइकल है। जब हम डाउन साइकिल में होते हैं एक्चुअली, तब हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। जब हम अप साइकिल में होते हैं तो हम कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी है। देखिए, किस्मत अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो अच्छे बुरे का आपको फायदा क्या है, आपको फर्क क्या पड़ता है अच्छा और बुरा? लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर मेरी किस्मत अभी खराब है, अभी मैंने ये करा है, मेरे कर्म खराब है, मैंने कुछ करा था इसलिए मेरी किस्मत खराब है, मैंने काम अच्छे नहीं किए इसलिए मेरी किस्मत खराब है। मैं उनसे पूछता हूँ, भगवान राम की किस्मत भी खराब थी, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसका मतलब 14 साल का वनवास हो गया उनको। बिल्कुल, महापुरुष तो कहा जाता है उनको राज सिंहासन सब कुछ मिला, लेकिन 14 साल का वो कष्ट भी मिला, क्योंकि वो हमारी नेचर का एक पार्ट है। हमारी नेचर में इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी आएगा इस धरती पे उसको उस साइकिल से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तो वो किस्मत नहीं है, वो साइकल्स हैं। एक्चुअली हमको साइकल्स को देखना है।
देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं, चाहे हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे अपनी लाइफ में और कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं हमारे साथ जी। यानी सुनील, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत किस्मत का धनी होता है या हम जिसको लकी कह देते हैं, किस्मत ये साइकिल सबके लिए आती है। जिनको आप लकी कहते हो, जिनको आप कहते हो किस्मत का धनी है, वो भी कभी ना कभी अच्छा और बुरा दोनों समय देखते हैं। आपका जो आंसर है वो आगे आ रहा है। देखिए, जिनको हम कहते हैं बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए, एक्चुअली उन्होंने किया क्या, चाहे इंटेंशनली किया चाहे ऐसे ही किया, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी अपसाइकल में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। अपनी अपसाइकल में जो उनका बेट साइज था उसको उन्होंने बढ़ा दिया, रिस्क जो थे वो ज्यादा लिए अपनी अपसाइकल में। हमारे साथ होता क्या है, हम रिस्क लेते हैं, हम काम भी करते हैं, हम पैसा भी लगाते हैं, लेकिन हम अपनी साइकिल को पहचान नहीं पाते कि इस समय मैं किस साइकिल में चल रहा हूं। क्या मेरी डाउन साइकिल है, क्या मेरी साइकिल साइडवेज है, क्या मैं अप ट्रेंड में हूं या मैं डाउन ट्रेंड में हूं। अगर मेरा खुद का ट्रेंड डाउन है और मैं कितना भी रिस्क ले लूं तो भी मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी जगह हो। शायद इसका अनुभव हमें हो भी जाता है, जब भी हम कहते हैं कि शायद मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा या फिर मेरे सितारे शायद गर्दिश में है, मेरा समय अच्छा है, कई बार आप अनुभव कर लेते हैं सब कुछ अच्छा करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता। इट मीन्स आप समझ जाइए कि उस समय आपकी साइकिल जो है, आप एक डाउन साइकिल में चल रहे हैं, तो उस समय आपको एग्रेसिव स्टेप नहीं लेने, एग्रेसिव नहीं लेने, स्टेप्स लेने हैं, काम करना है, एग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन जिस दिन आपको एहसास होना शुरू हो कि हाँ अब मैं जो करता हूं वो ठीक होता है, उस समय अपनी बैट साइज को बढ़ा दीजिए। यानी पहला स्टेप ये रखना होगा कि किस्मत को दोषी मत माने, अपना अच्छा और बुरा समय, आपका अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय, अच्छा चल रहा, बुरा चल रहा है, इसको पहचान ले और उसके बाद मूव ले। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, लोग वहां बाय करते रहते हैं, लोग बाय करते रहते हैं, वो डाउन साइकिल है एक्चुअली, वो बाय कर रहे हैं। जिस दिन अप साइकिल शुरू होता है ना, उसी दिन वो आदमी जो डाउन साइकिल में बाय कर रहा था एक्चुअली वो छोड़ के बैठ जाता है कि नहीं अभी मुझे नहीं लेना, या लेता भी है तो डाउन साइकिल में वो 5 लाख का माल लेता, अभी वो 20,000 का माल लेता है, जबकि अब उसको वहां पर 50 लाख का माल लेना है क्योंकि अप साइकिल अप है जी। यही फर्क होता है किसी भी कामयाब आदमी में और नाकामयाब आदमी में जी। नाकामयाब आदमी जो होते हैं वो एक्चुअली अपनी साइकिल को पहचान नहीं पाते, उन साइकिल के हिसाब से काम। देखिए, भाग्य हमारा फिक्स है, राइट, उस भाग्य को हम चेंज करते हैं अपने काम के द्वारा, राइट। और काम क्या है, हम अपनी साइकिल को पहचाने और उस साइकिल के हिसाब से अपने जो एग्रेशन है उसको कायम रखें। अगर हमारा डाउन साइकिल चल रहा है तो हम चुप करके बैठ जाएं, ज्यादा काम ना करें उस समय, राइट। आप देखते हैं ज्योतिष वाले भी कहते हैं आपका समय अच्छा नहीं है, अभी अभी आप रहने दो, अभी आप कुछ मत करो, अब आपका समय अच्छा आ गया, अब आप करो। समय क्या है, राइट, वक्त क्या है? है, वक्त है। तो आप अगर अब कभी आपका हार्ड टाइम चल रहा है, आपका बुरा समय चल रहा है, तो आप उस वक्त मेहनत करेंगे तो शायद फल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उस एफर्ट्स को कर करके थक मत जाइए, क्योंकि जब समय अच्छा हो जाता है तो हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं शायद। वही यहाँ पे भी यही होता है ना। अभी आपने पूछा स्टॉक मार्केट में लक का क्या रोल है, मैं बोलता हूँ आप सबसे पहले अपना लक देखिए कि हाँ मेरी साइकिल क्या है। आपको अपने आसपास, अपने चारों ओर खुद की असेसमेंट करने में मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरी साइकिल अप है या नहीं है। फिर अप साइकिल वाला स्टॉक ढूंढ लीजिए जो अप साइकिल में चल रहा है, तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। इन अ नटशेल, मतलब सुनील, सबसे पहले आपको ये पहचाना होगा कि आपका समय कैसे चल रहा है, अच्छा या बुरा, और उसके बाद अपनी सेकंड मूव यानी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टॉक सिलेक्शन देखिए। और एक आदमी का डाउन साइकिल चल रहा है मान लीजिए, और उसने स्टॉक भी ऐसा चुन लिया सुजलोन जैसा, तो अब तो उसे भगवान ही बचा सकता है। चले, बिल्कुल। और शायद इसी तरह से लक की परिभाषा को यही डिफाइन किया गया कि लकी वो लोग होते हैं जो राइट टाइम पर राइट चीजों को लेते हैं और उनकी एडवांटेज पूरी उठाते हैं। यानी पूरी तरह से किस्मत को दोषी मत बनाइए। साइकिल्स होती है, हर इंसान की जिंदगी में साइकिल्स आती है, सिर्फ आपको अपने राइट टाइम का इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्यूवर्स को जाते आते याद दिला दें, बाजार शास्त्र @zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है जहां आपको हमें अपनी क्वेरी भेजनी है। जल्द वापस हाजिर। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र, और अब बारी है कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की। सुनील, हमने लास्ट टाइम बहुत सारे टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, राउंडिंग बॉटम्स, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, फ्लैग्स।
ये क्या होते हैं और दो तीन तरह के फ्लैग्स होते हैं, फॉर्मेशन होती है? फ्लैग भी पैटर्न होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कैंडल्स का, तो बहुत सारी कैंडल्स जोड़ जोड़ के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं में से फ्लैग एक है। फ्लैग एक्चुअली कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, जब भी कोई स्टॉक चलता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उस पर फ्लैग बनते हैं। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आप देखिए, इसमें भी एक बुलिश फ्लैग होता है और एक बेयरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग जो ऊपर जा रहा है वो बुलिश फ्लैग, जो नीचे आ रहा है वो बेयरिश फ्लैग। ये स्टॉक है, ये ऊपर जा रहा है, ये हर स्टेप पे जाता है और फिर उसके बाद कुछ रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर रुकता है। आप इसकी शेप देख पा रहे हैं, ये एक फ्लैग की तरह है, जैसे फ्लैग होता है हल्का सा टिल्टेड होता है नीचे की तरफ, उस तरह से होता है इसका शेप। एक ये कंसोलिडेशन एरिया है जिसका टाइम हम गेज नहीं कर सकते कभी भी कि ये एक महीने चलेगा, ये दो महीने चलेगा, ये छह महीने चलेगा, लेकिन फ्लैग की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जो भी एक फ्लैग क्रिएट हो गया और उसके बाद उसका एक पोल, जिसको हम बोलते हैं एक फ्लैग बना, एक पोल बना, उसके बाद फिर फ्लैग बना, तो वो पोल है, जो कोई भी फ्लैग अपने जो लास्ट, जो सेकेंड लास्ट फ्लैग है उससे नीचे कभी नहीं आता। उस पैटर्न की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप किसी भी फ्लैग में एंट्री करते हैं जब भी, तो आपको उससे पहले वाला जो फ्लैग है उसका एक स्टॉप लॉस लगाना रहता है और राइड करना होता है। और फ्लैग पैटर्न जनरली उन स्टॉक्स में बनता है जो बहुत ही बुलिश होते हैं या बहुत ही बेरिश होते हैं। वापस में आते हुए भी, रिवर्स में भी बहुत सारे स्टॉक में ऐसा फ्लैग बनता है, वो फ्लैग ऐसे होते हैं, ऐसे जाएगा और ऊपर की तरफ हल्का सा जाएगा फिर नीचे आएगा। यानी प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होती है ऐसे स्टॉक्स में, उसमें फास्ट होती है बहुत थोड़े समय के लिए और फिर एकदम स्टॉक खड़ा हो जाता है, दो महीने तीन महीने, मतलब आप समझिए 10 दिन चलेगा और 3 महीने खड़ा हो जाएगा, फिर 10 दिन चलेगा। आप देख रहे हैं जैसे इसमें, जैसे दो पैरेलल लाइंस हम देखते हैं जनरली फ्लैग्स में, अगर अगर हम सपोज कीजिए बुल फ्लैग की बात कर रहे हैं तो दो पैरेलल लाइंस होंगी इसमें। नहीं नहीं नहीं, बुल फ्लैग जैसे इसमें एक पोल होता है और एक फ्लैग होता है, फिर पोल होता है फिर फ्लैग होता है। ये आप जैसे देख रहे हैं फ्लैग का एरिया है, ये फ्लैग का एरिया है, ये फ्लैग का एरिया है, ये फ्लैग का एरिया है, तो हर एरिया को वो ऊपर जाता है और पिछले वाले एरिया के नीचे नहीं आता, कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर चला जाता है। बहुत ही बुलिश पैटर्न है ये, एक्चुअली बहुत ही बुलिश पैटर्न। इसी तरह से बेयरिश फ्लैग क्या होते हैं, वो भी बेयरिश फ्लैग इसी का रिवर्सल होता है, जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वो नीचे उतरता है, पोल बनाता है, खड़ा होता है, फिर नीचे आता है, फिर पोल बनाता है, फिर खड़ा होता है, वो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। बिल्कुल। और ऐसे ट्रायंगल पैटर्न्स को कैसे हम समझे, उनसे क्या पिक करें? ट्रायंगल्स पैटर्न जैसे ये दिखाता हूं मैं आपको चार्ट पे, ट्रायंगल्स इस तरह के पैटर्न होते हैं। ट्रायंगल्स पैटर्न के अंदर होता क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्टॉक यहां से ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया लेकिन पुराने वाले लो को नहीं काटा, फिर ऊपर गया पुराने वाले हाई को नहीं काटा, फिर नीचे आया पुराने वाले लो को नहीं काटा। तो अगर हम इस लो को, इस लो को और इस लो को, तीनों लो को जोड़ देते हैं और ऊपर के ये तीनों हाई को जोड़ देते हैं तो हमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मिलती है। ट्रायंगल फॉर्मेशन जनरली बॉटम पे नहीं बनती है किसी, जनरली ट्रेंड के बीच में बनती है, लेकिन कई बार बॉटम पे भी बन जाता है। ट्रायंगल जो है फॉर्मेशन भी बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन है और बहुत ही बेरिश, अगर ऊपर बने तो बहुत ही बेरिश है, नीचे बने तो बहुत ही बुलिश है। इसमें होता कैसे है, जैसे एक ट्रायंगल वो एक तरह से प्राइस को कंप्रेस करते जा रहे हैं, स्प्रिंग टाइप क्रिएट हो जाता है, लास्ट में बिल्कुल छोटा सा एरिया बच जाता है, वॉलेटिलिटी स्टॉक का जैसे आप इसमें देख रहे हैं काफी कम रह जाता है, एक स्प्रिंग जैसा एरिया बन जाता है और जैसे ही वो फ्लैग से बाहर निकलता है स्टॉक, वो बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है। तो क्या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी इसमें दिखती है? ट्रायंगल पैटर्न जब ब्रेकआउट होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है एक्चुअली। ओके। इसी तरह से ये देखिए, एक मैं दिखा रहा हूं आपको, ये डाउन ट्रेंडिंग का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऊपर बना है और ये बिल्कुल वॉलेटिलिटी एकदम से लो हो गया इस एरिया में, एक स्प्रिंग जैसा क्रिएट हो जाता है और जैसे वो स्प्रिंग छूटता है वो ट्रायंगल से जब बाहर निकलता है तो बहुत ही तेजी से, देखिए कितनी तेजी से नीचे गिरा है ये। तो इस तरह से ये पैटर्न काम करता है। राइट। और एक अक्सर हम एक्सपर्ट्स को सुनते हुए बताते हुए सुन रहे होता है कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफी फेमस पैटर्न है एक्चुअली, जो लोग टेक्निकल नहीं भी जानते उन्होंने नाम सुना होगा इसका। बिल्कुल नाम सुना होगा, इसलिए क्यूरियोसिटी होती है व्यूअर्स को कि ये पैटर्न कैसे बन सकता है। दिखा देता हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देखिए इस तरह का पैटर्न होता है, इसमें दो एरिया होते हैं शोल्डर वाले और एक ये जो ऊपर का एरिया हेड वाला, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है और ये इन दोनों लो को मिलाकर जब हम एक लाइन लगाते हैं इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। ये नेक लाइन जब नीचे की तरफ ब्रीच हो जाता है तो हम लोग इस एरिया के ऊपर सेलिंग का पोजीशन लेते हैं, ये एक टॉपिंग आउट पैटर्न है। छोटे एरिया का टॉप या किसी बहुत बड़े एरिया का टॉप बनता है तब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। राइट। चार्ट पे दिखाता हूं आपको, ये इस तरह से होता है। 2000
2007-8 के बाद 2008 में निफ्टी के अंदर एक पैटर्न बना था 4500-4600 की जोन में। ये देखिए, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, जिसके बाद निफ्टी ने 2200 का लो लगाया था एक्चुअली, वहां पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। इसी तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, जैसे ये ऊपर बनता है किसी भी टॉप, ये नीचे बनता है, ये देखिए ये नीचे बनता है, इस तरह से नीचे बनता है, एक शोल्डर है, ये एक हेड है और एक शोल्डर है। पर्टिकुलर सिग्नल्स मिलते हैं क्या इन पैटर्न से, बुलिश है या बियरिश है? पैटर्न ही अपने आप में सिग्नल है, पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो अपने आप में सिग्नल है। जब एक स्टॉक 2-3 बार नीचे गया, उसके बाद अपना ये दोनों जो उसने हाई बनाए हैं उनको काट के अगर ऊपर आ गया, तो वो इटसेल्फ बता रहा है कि हाँ मैं बहुत तेजी में हूँ, और इस जगह पे जहाँ पे ये बाहर निकलता है नेकलाइन से, वहाँ वॉल्यूम भी बहुत अच्छे होते हैं। राइट, चलिए, उम्मीद है कि व्यूवर्स को ये पैटर्न्स समझने में आसानी होगी, क्योंकि कोशिश हमने यही किया कि एक सिंप्लीफाइड वे में आपको वो पैटर्न समझा पाएं, जो आप वो फॉर्मेशन समझा पाएं जो आप अक्सर टीवी पे एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुन रहे होते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने व्यूवर्स को ये याद दिला दें कि आगे हम बात करेंगे कि इतने सारे टेक्निकल एनालिस्ट, इतने सारे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं जिनको हम अक्सर टीवी पर सुन रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं जिनके बारे में, लेकिन फिर भी एक ही बिलियनेयर राकेश झुनझुनवाला क्यों है, इसका जवाब जानेंगे सुनील से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपको याद दिला दें, बाजार शास्त्र @znetwork.com पर आप अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं, कोई सुझाव, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं या फिर किसी न्यूज इवेंट को समझना चाहते हैं, इंतजार रहेगा आपके सवाल का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और सुनील मिगलानी मेरे साथ बने हुए हैं। सुनील, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सवाल राहुल रिजवानी ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनील, इंडीड बहुत सारे व्यूवर्स के दिमाग में आया होगा ये सवाल कि इतने सारे एनालिस्ट हैं, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, बहुत अच्छी नॉलेज है, काफी कुछ समझते हैं मार्केट के बारे में, इतने सालों से मार्केट में ट्रेड करें, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही स्टॉक मार्केट का बिलियनेयर राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं है, दूसरा राकेश झुनझुनवाला क्यों नहीं कोई बन पाया, एक ही लता मंगेशकर क्यों है, एक ही सचिन तेंदुलकर क्यों, एक ही सचिन तेंदुलकर क्यों। देखिए, इस चीज़ का जवाब जो है वो इतना आसान है एक्चुअली और इतना ही मुश्किल है एक्चुअली कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी एरिया हो, वहाँ पर आप देखिए कुछ लोग चाहे इंटेंशनली चाहे ऐसे ही एक सही जगह पे होते हैं, सही समय पे सही जगह पे होते हैं, जानबूझ के नहीं, कई बार ऐसे ही, तो वो जो सही जगह होती है वो उनको कई बार बहुत आगे ले जाती है। स्टॉक मार्केट में देखिए, अब आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम लिया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। देखिए, सब वो नहीं बन सकते ये जरूरी नहीं है, और सब वो बन सकते हैं ये भी जरूरी नहीं है। हर एक के पास कैपिटल का साइज शायद उतना ना हो, शायद हो सकता है किसी के पास उतनी समझ हो लेकिन उसके पास उतना कैपिटल ना हो। राकेश झुनझुनवाला या कोई इस साइज का इन्वेस्टर बनने के लिए काफी चीजें जरूरत है, एक नहीं, आप भी, आपके जो व्यूअर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा नॉलेज बहुत लोगों के, खाली नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, नॉलेज तो बहुतों को है, यहाँ पे पैसा होना बहुत जरूरी है, ये कैपिटल मार्केट है, कैपिटल होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद नंबर वन इज, देखिए नंबर वन इज कैपिटल, पहला चीज आपके पास कैपिटल हो, दूसरा चीज है आपके पास नॉलेज हो, दोनों चीजें होनी जरूरी है, लेकिन अगर ये दोनों हो तो भी आप वो नहीं बन सकते। तीसरी चीज है आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की समझ और आप में एग्रेशन, जो हम पहले अभी बात कर चुके हैं, राइट, आपकी ऊपर की जो है उस साइकिल में आपकी एग्रेशन कम नहीं होनी चाहिए, राइट, अगर ये तीनों चीजें हो तो भी नहीं बन सकते। चौथी चीज और चाहिए, पेशेंस, पेशेंस चाहिए आपके अंदर, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेड कर दिया, आप बैठे उस पर राइड करें, आपका बिजनेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये चारों चीजें हो आपके पास तो भी नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, इनफैक्ट फेजेस देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं तो राकेश झुनझुनवाला इतने पुराने समय से वो मार्केट में इन्वॉल्व है, जब सिर्फ मतलब मार्केट जो है बीएससी का जो इंडेक्स था सिर्फ 150 पॉइंट पर था, लेकिन उनके स्टॉक्स में भी बहुत डाउन ट्रेंड देखा, उनके स्टॉक्स की भी अगर बात करें 2010 में उनके स्टॉक्स में भी अच्छी खासी एक स्लंप आई, लेकिन 2012 में फिर रिकवर करो, और वे पेशेंट इन्वेस्टर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और शायद बहुत कम लोग भी जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात और, अगर ये चारों चीजें हों, नॉलेज, पैसा, पेशेंस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की समझ, तो भी आप नहीं बन सकते।
एक और चीज चाहिए बहुत जरूरी, विजन। धीरू भाई अंबानी अपने विजन के कारण बन गए, पैसा उनके पास भी नहीं था, पैसा मिल गया। अगर आपके पास समझ है, पैसा नहीं है, पैसा कोई देने वाला मिल जाएगा, लेकिन विजन आपका होगा हमेशा। आप सोचते हैं इतनी आगे तक, आज उन्होंने शायद सोच लिया होगा कि इंडिया की मार्केट आने वाले 20 से 25 साल में यहां पहुंच सकती है, इसीलिए वो उतना पेशेंस हो पाए, उतना पेशेंट हो पाए, वो रख पाया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। वरना बहुत मौके ऐसे आए कि उनको भी लगता है कि बहुत प्रॉफिट आ रहा है, निकल जाता हूं मैं, लेकिन इतना ज्यादा गिर गया, उसके बाद उनको लगा होगा मैंने गलती कर दिया यार, वो वहां 6300 से मार्केट फिर दोबारा 2200 पे आ गया, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन एक विजन इतना स्ट्रांग था कि हाँ नहीं, आज 6300 का मार्केट है तो कल 25,000 का निफ्टी हो सकता है। उस विजन को लेके अगर जो वो इन्वेस्टमेंट कराए तो वो राकेश झुनझुनवाला है, और वो राकेश झुनझुनवाला और भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये पांचों चीजें होना बहुत जरूरी है, कैपिटल, नॉलेज, पेशेंस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की समझ और विजन। ये इसीलिए कहा जाता है कि लकी पीपल भी वही होते हैं जो राइट अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पे उनके एडवांटेज लेना जानते हैं। और इनफैक्ट विजन बहुत ब्यूटीफुली आपने समाप्त किया, विजन भी बहुत जरूरी है। और शायद धीरूभाई अंबानी का नाम लिया है आपने सुनील, तो धीरूभाई अंबानी इस बात पे बहुत मानते थे कि ओनली व्हेन यू ड्रीम यू कैन डू इट, यानी अपने सपनों को बड़ा सोचोगे, बड़ा विजन रखोगे, तभी उन्हें पूरा कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, विजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए काम करने का, आपके अंदर सोच होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसे किसी आदमी ने पूछा कि सर आप इतने बड़े आदमी बन गए, एक बात बताइए जिससे हमें समझ में आए आप इतने आगे पहुंच गए। उसने बोला कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक रूल बना के रखा है हमेशा, मेरे सामने कभी भी कोई काम पड़ा मैंने ये नहीं सोचा कि करूं या ना करूं, मैंने अपने लिए एक रूल बना के रखा कि अगर पछताना है तो करके पछता लो, ना करके कभी मत पछताओ। ये होता है एग्रेशन। आप काम करते हैं कुछ भी, जो आपके सामने काम पड़े आप काम करिए, या तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे या आपको एक लेसन देके जाएगा वो, ऐसा जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपके आने वाले सक्सेस के लिए बहुत बड़ा काम करेगा वो जी। हमेशा काम करते रहना है आपको, कर्म करना है, श्री कृष्ण जी कह गए गीता में, हमने बोला ना कर्म करते रहना है आपको। चलिए हमने भी यही कर्म करने की कोशिश की है कि हमारे व्यूवर्स को इस शो का भरपूर फायदा मिल पाए, उनके जो मिथ्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, जो साइकोलॉजी है बाजार की, वो समझाने की कोशिश करने का हम यहाँ कर्म कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमें फल जरूर मिले, यानी हमारे व्यूवर्स के इन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें जरूर मिले। और उम्मीद है राहुल जी आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे ही आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, करना सिर्फ आपको इतना है कि बाजार शास्त्र @znetwork.com पर हमें ईमेल करना है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।